सो नाउ वी विल गो विद द अनदर एग्जाम्पल, सेम केस में अब डांस वाला जो एग्जाम्पल था वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको शटर स्पीड को प्रायोरिटी देना पड़ेगा और अपर्चर आपको क्या करना पड़ेगा, अपर्चर आप चाहोगे F4 पे या F5.6 पे, क्योंकि सारे के सारे लोग जो है वो आने चाहिए। करेक्ट, 1.2 पे करोगे तो बाकी के लोग तो ब्लर हो जाएंगे, तो करेक्ट, वो तकलीफ देगा। आप F4 पे जाओगे, 5.6 पे जाओगे तो बहुत ज्यादा लाइट आप कंट्रोल कर रहे हो, लाइट कम आ गया, ISO जो है आपका वो ISO मैक्सिमम 400 तक जा सकते हो, 800 तक जा सकते हो अगर प्रोफेशनल लेवल का कैमरा है तो, करेक्ट, ओके, क्योंकि बिगिनर लेवल में 800 में भी आपको ग्रेन्स मिलेंगे, अगर प्रो लेवल है तो वहां पर 800 में 1000 में आपको ग्रेन्स कम मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैमरा की जो बॉडी है ना उसके ऊपर भी उसके ये ऊपर डिपेंड मैटर करता करता है। है। एग्जैक्टली जैसे अगर मान लीजिए कि जो बड़े वाले कैमराज है आपके आर सीरीज के कैमराज है कैनन के फुल फ्रेम वाले, तो वो आपको 3200 में भी आपको इतने ग्रेन्स नहीं आएंगे, लेकिन वही अगर मैं एकदम 1500D जो कैमरा है कैनन का बिगिनर लेवल, उसमें अगर मैं ट्राई करूंगा 3400 या 6400 मुझे बहुत ज्यादा ग्रेन्स आएंगे। ओके, ओके, टोटली डिपेंड्स कि आपके पास कौन तो सी सेंसर का साइज पे सेंसर डिपेंड करता है एक्चुअली, ISO का, का ग्रेन का। साइज भी डिपेंड, नहीं सेंसर के साइज पे भी डिपेंड करेगा, साइमल्टेनियसली जो कैमरा बॉडी है वो भी डिपेंड करता है। जैसे प्रो लेवल के जो कैमरास है ना, अब सेंसर में दो टाइप आते हैं, CCD और CMOS। पहले आता था CCD सेंसर जिसको चार्ज कपलर डिवाइस बोलते थे, वो जो है वो पहले अलग सेटअप के सेंसर आते थे जहां पर इंडिविजुअल ईच पिक्सल को चार्ज करके फिर वो डेटा कैप्चर होता था, थोड़ा टेक्निकल ज्यादा होता था एंड पावर ज्यादा कंज्यूम करता था। उसके बाद में सीमोस सेंसर है, तो अभी जितने भी कैमरा जब आपको सीमोस सेंसर मिलता है उसका ना फुल फॉर्म कुछ चार्ज मैग्नेटाइड ऐसा कुछ तो है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट आई विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट एंड आई विल लेट यू नो। तो वो जो सीमोस सेंसर है रिलेटिवली पावर कंजम्पशन कम करते हैं जब पिक्सल को कैप्चर करते हैं उस वक्त, प्लस उसमें अमाउंट ऑफ ग्रेन भी थोड़ा सा कम मिलता है। ये है क्या, क्योंकि सेंसर की भी ऊपर डिपेंड होता है ना, तो जैसे आईफोन का सेंसर है तो आईफोन के सेंसर में इमेजेस में थोड़ा सा ग्रेन कम आएगा, लेकिन अगर वही मैं माइक्रोमैक्स के कोड में देखूँ तो डिपेंड आएगा वैसा। तो ये जो सेंसर आपकी कैमरा बॉडी जो है वो भी डिपेंड करती है, तो लो लाइट परफॉर्मेंस कैसे है आपके सेंसर का। अब उसके बाद में जो सेकेंड चीज है जो हमको अंडरस्टैंड करनी है एक्सपोजर ट्रायंगल के लिए, मैं आपको यहाँ पे फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, राइट right. ये आपको समझ में आया था लैंडिंग, करेक्ट, ये करेक्ट हमने पढ़ा था ना। हाँ राइट। तो यहाँ पर सेम है, ये इमेज आपको चाहिए तो अपना प्रिंट आउट निकाल लेना, और ओके, यहाँ पर आपको कैसे इंडिविजुअली दिया हुआ है कि अगर मैं F32 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, F1.4 पे क्या मिलेगा, और तीनों को बैलेंस कैसे करना है। सेम इमेज है जहाँ पर आपका ISO जो है वो ISO बताता है कि आपको ग्रेन कितना मिलेगा, अपर्चर बताता है कि ब्लर बैकग्राउंड कितना मिलेगा, और शटर बताता है कि मोशन फ्रीज होगा या मोशन ब्लर होगा, राइट। ओके, बाद में ये जो इमेज है ये इमेज आपको जहां पर भी पॉसिबल होता है आप प्रिंट आउट करके इसको बार बार आपको देखना है, इसी इमेज में आपका मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट वो क्लियरिफाई हो जाएंगे। तो आपको बैलेंस जब करना होगा ना ऑन फील्ड जब आप रहोगे तो उस वक्त आपको तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज यू विल नो एग्जैक्टली कि अगर मैं F11 पे शूट करता हूँ तो हाउ मच ब्लर बैकग्राउंड आई विल गेट, अगर मैं F1.8 पे या F2 पे शूट कर रहा हूँ तो मुझे कितना ब्लर बैकग्राउंड मिलेगा। तो आपको ओके, स्ट्रगल नहीं होगा वो डिसीजन लेने के लिए कि इस केस में मुझे क्या रखना चाहिए, राइट। देन करेक्ट एक्सपोजर एंड अंडर एक्सपोजर एंड ओवर एक्सपोजर, तो आपको पता है करेक्ट, कि ओवर एक्सपोजर मतलब क्या, कि जितनी लाइट जरूरत है उससे ज्यादा आपकी आ गई, अंडर एक्सपोज मतलब क्या, वही मतलब शेडोज ज्यादा दिख रहे हैं, और मतलब करेक्ट। हाँ नहीं, जित शेडोज भी डार्क रहेंगे हाईलाइट भी आपके कम डल रहेंगे, मतलब बहुत ही सारा प्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट एवरीथिंग रहेगा। गोज टुवर्ड्स द अदर एंड, करेक्ट ना। एग्जैक्टली करेक्ट। तो एक चीज और भी इसमें ध्यान में रखनी है आपको कि करेक्ट एक्सपोजर इज अ सब्जेक्टिव, एक चीज मतलब मैं आपको एक्चुअली बोलने वाला था, क्योंकि काफी बार हम लोग एक्सपोजर मीटर भी है कैमरा के, वो करेक्ट आपको फॉर एग्जांपल दिखाता है कि ओवर एक्सपोज्ड है, नॉट नॉट एक्सट्रीमली, लेट से 0 से 1-2 पॉइंट टुवर्ड्स द राइट है, करेक्ट 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 बट आपको पता रहता है कि नहीं, ये कैमरा मुझे गलत बोल रहा है, मैं क्लिक करूंगा तो मुझे करेक्ट इमेज आएगा, और वो काफी करेक्ट बार वो इमेजेस अच्छे आते हैं डिस्पाइट बीइंग ओवर एक्सपोज्ड। एग्जैक्टली डिपेंड्स अपॉन की विच टाइप ऑफ इमेज विच यू आर ट्राइंग टू क्लिक साइमल्टेनियसली व्हाट यू वांट फाइनली,
बेसिकली क्या होता है कि जैसे अभी ये इमेज है, इसमें आपको पता है ये अभी मुझे नॉर्मल इमेज क्लिक किया तो ओवर एक्सपोज, यहाँ पे हमको एग्जांपल पता चला करेक्ट कि इमेज जो है यहाँ पर जो सन है वगैरह पूरा ब्लैकआउट हो गया, मतलब ये इसको हम लोग बर्नआउट बोलते हैं, ये जो एरिया है कि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन बर्नआउट होगी, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहे। वैसे ये अंडर एक्सपोज में शेडोज एरिया इतने ज्यादा डार्क है कि मुझे वहां पर भी कोई इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रही है। करेक्टली एक्सपोज यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड है, मतलब मिड टोन पे है, तो आप आसमान में भी देख सकते हो क्या है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है और ये जो पानी है वो भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी लाइट अवेलेबल है। तो ये आपका हो गया करेक्ट एक्सपोजर, अंडर एक्सपोजर, ओवर एक्सपोज का एग्जाम्पल। बट जब हम लोग बात करते हैं करेक्ट एक्सपोजर इज अ सब्जेक्टिव, मतलब आप फाइनली आपको इमेज कैसे चाहिए उसके हिसाब से अंडरस्टैंड करोगे। कैमरा जो आपको रीडिंग बताता है इट्स ओनली विल गिव यू अ टेक्निकल रीडिंग कि अच्छा ये इतना है, बट इमेजेस में क्रिएटिविटी आपका आता है कि आप आपकी स्टोरी क्या बताना चाहते हो। अब फॉर एग्जाम्पल ये दोनों इमेजेस है, इन दोनों में से आपको कौन सी वाली इमेज अच्छी लगती है? Now depends. अगर मुझे एक पेंटिंग बनानी है तो लेफ्ट साइड वाला करेक्ट ना, अगर मुझे मे बी प्रिंट के लिए कुछ करना है तो ऑब्वियसली राइट वाला करेक्ट। अभी सिंपल कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ एक पर्सन ने ये सेम इमेज क्लिक किया है विद नॉर्मल एक्सपोजर एंड अंडर एक्सपोजर, ये जो है राइट वाला वो आपका करेक्ट एक्सपोजर में इमेज है जहाँ पर आप देख पा रहे हो हाईलाइट शेडोज वो सारे के सारे एक प्रॉपर लेवल पे है। सेकेंड जो है यहाँ पर आपका इमेज एक या दो स्टॉप उन्होंने अंडर एक्सपोज किया होगा, तो अंडर एक्सपोज में क्या हो रहा है पूरा का पूरा जो लाइट है वो पूरा ब्लैकआउट हो गया, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था सन जहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट अवेलेबल थी वहां पर लाइट आपकी कम हुई है। तो रिलेटिवली ये जो एग्जाम्पल है ये मॉर्निंग का हो सकता है या फिर इवनिंग का हो सकता है जो भी ये शॉट है, तो उसने वहां पर ड्रामेटिक इफेक्ट दे दिया क्योंकि शैडोज भी ऑलवेज बहुत अच्छा रोल प्ले करती है अनलेस एंड अंटिल यू यूज इट विद द क्रिएटिव वे। जैसे यहाँ पर इस इमेज में मेरा अटेंशन कहाँ पे जा रहा है सबसे पहले अगर इस इमेज में बात करें रिफ्लेक्शन पे, सन पे, और ये जो इसका हैट है ना यहाँ पर पर्सन के ऊपर, दिस इज अ सब्जेक्ट। बट यही पर ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ना ये लॉस्ट हो गया, ये अनवांटेड है, ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट दिखाना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी वो ढक गया। और एक क्रिएटिव बोलते ना एक बहुत ही ज्यादा स्टोरी वाला इमेज बन गया, सस्पेंस वाला इमेज जैसे वो बोल सकते हैं लोग, तो एवरीवन अंडरस्टैंड कि मुझे क्या दिखाना है और वो पर्सन उसी पर्टिकुलर चीज को देख रहा है। यहाँ पर आपका ध्यान बढ़ जा रहा है, आपका ध्यान यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, सन पे ऊपर जा रहा है, माउंटेन्स दिखाई दे रहे, बट यहाँ पर ध्यान खींच के लेकर गया मेरा जो फोटोग्राफर है वो, और उसने ध्यान यहाँ पर ही खींचा है। इसकी वजह से डिपेंड करता है कि आप किसी भी सिचुएशन में जब रहोगे ना तो आप एग्जैक्टली फाइनल इमेज आपको कैसे चाहिए उसके हिसाब से आप जो आपका पर्टिकुलर एक्सपोजर है वो माइनस की तरफ लेके जा सकते हो या प्लस की तरफ लेके जा सकते हो, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। ये आपको समझ में आया? फैंटास्टिक।